अध्याय दो देख रहे हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में तृतीय क्षेत्र यानी कि टर्शरी सेक्टर जो है कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा रहा है। क्या आप इससे सहमत हैं? तो ये थोड़ा गलत हो जाएगा, आप इससे सहमत नहीं होंगे, क्योंकि तृतीय क्षेत्र वाकई में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। तो अपने उत्तर के समर्थन में आपको उत्तर देना है या कहें कारण देना है। तो किसी भी देश के आर्थिक विकास में जो तृतीय क्षेत्रक है यानी कि जो टर्शरी सेक्टर है उसकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। जितने भी विकसित देश आप देखेंगे यानी कि जितने भी डेवलप्ड देश देखेंगे उनके GDP यानी कि सकल घरेलू उत्पाद में अधिकांश भाग जो होता है, मोस्टली जो पार्ट होता है वो कहाँ से आता है? वो तृतीय क्षेत्र से आता है। तो हम इस कथन से सहमत नहीं है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में तृतीय क्षेत्र कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा रहा है, क्योंकि इस बात में कोई संदेह नहीं है, कोई शक नहीं है कि भारत का जो GDP है, सकल घरेलू उत्पाद है, उसमें तृतीय क्षेत्र की भागीदारी वाकई में बड़ी है। क्योंकि योजना काल के दौरान अगर हम 1973 और 2003 के बीच में 30 वर्षों का, बल्कि आप 40 वर्षों में भी ले लीजिए, तो आप देखेंगे कि सभी क्षेत्रों में उत्पादन में वृद्धि हुई, लेकिन जो तृतीय क्षेत्र है उसमें सर्वाधिक वृद्धि हुई। और इस काल में, इस समय में 30-40 साल का जो अंतराल है, इसमें प्राथमिक क्षेत्र की हिस्सेदारी 25% थी यानी कि 1/4, जबकि तृतीय क्षेत्र की हिस्सेदारी 50% थी यानी कि हाफ, पूरा आधा से ज्यादा। तो इसी तरीके से रोजगार के आधार पर भी जो तृतीय क्षेत्र है उसमें रोजगार वृद्धि अच्छी खासी रही है, जो द्वितीय का प्राथमिक क्षेत्र से अधिक है, लेकिन अभी भी इसमें काम करना बाकी है। क्योंकि जिस हिसाब से तृतीय क्षेत्र में वृद्धि हुई है उस हिसाब से लोग यहाँ काम नहीं करें, क्योंकि मोस्टली लोग या कहें डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, अल्प बेरोजगारी, उस तहत यहाँ पर जो एग्रीकल्चर सेक्टर है या प्राथमिक सेक्टर है उसी में काम कर रहे हैं। तो GDP क्षेत्र में अगर हिस्सेदारी आप देखना चाहें तो ये इसमें चित्रों से पता चलता है कि ये आपका तृतीय क्षेत्र है, ये इस तरीके से बड़ा है, ये तृतीय क्षेत्र है, ये द्वितीय है, ये आपका प्राथमिक है। तो जगह ये इसकी कहें कि जो भागीदारी है प्राथमिक क्षेत्र की वो कम हुई है, तृतीय क्षेत्र की अच्छी खासी बढ़ी। ये आपका इस तरीके से आप एग्जांपल ले सकते हैं। भारत में सेवा क्षेत्र दो विभिन्न प्रकार के लोग नियोजित करता है, ये लोग कौन है? तो सेवा क्षेत्र में दो प्रकार के लोग कैसे आते हैं? ये भारत में दो प्रकार के लोग हैं बेसिकली। एक तो अत्यंत कुशल, जो शिक्षित है, श्रमिक है, यानी अपने काम को सीखे हुए हैं, पढ़े लिखे हैं और अपने काम के स्किल को जानते हैं। और कुछ ऐसे आते हैं जो अकुशल हैं या अशिक्षित श्रमिक हैं, यानी कि वो लेबर का काम कर सकते हैं, जिन्होंने कहीं से सीखा नहीं है इस चीज को। तो सेवा के क्षेत्र में जो कुशल और शिक्षित है वो इसलिए लगे हैं क्योंकि जो आधुनिकीकरण के साथ साथ सेवा क्षेत्र में वृद्धि हुई है, यानी कि कहें कि जो सर्विस सेक्टर है वो बढ़ा है। सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि ICT, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, या फिर कहें कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के कारण, सूचना प्रौद्योगिकी के कारण जो कुशल श्रमिक है, अत्यंत कुशल श्रमिक है, कोई BTech है, MTech है, कोई MCA है, इनकी सेवा क्षेत्र में आवश्यकता पड़ी है, MBA है। दूसरी ओर बहुत सारी ऐसी संख्या है जिसमें लोग छोटी दुकानों में, मरम्मत कार्यों में और परिवहन में लगे हुए हैं। ये अकुशल और अशिक्षित श्रमिक हैं और ये लोग बड़ी मुश्किल से अपनी जीविका निर्वाहन करते हैं और इन सेवाओं में लगे हुए हैं क्योंकि उनके पास कोई वैकल्पिक अवसर नहीं है, कोई और ऑप्शन नहीं है। असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों का शोषण किया जाता है। क्या आप इस विचार से सहमत हैं? अपने उत्तर के समर्थन में कारण दीजिए। तो हम बिल्कुल सहमत हैं। असंगठित क्षेत्र होता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर, यानी यहां पर गवर्नमेंट का कोई रूल नहीं चलता या लोग उसको नहीं फॉलो करते, बस अपने किसी तरीके से अपने जीविका या चलाने के लिए, अपना काम चलाने के लिए काम करते हैं। तो असंगठित क्षेत्र छोटी छोटी और बिखरी इकाइयों से बना है, निर्मित है। इसमें नियमों का, खास तौर पर सरकारी नियमों का अनुपालन नहीं होता है। यहाँ कम वेतन वाले रोजगार हैं जहां पर कम पैसा मिलता है। इसके अलावा एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है, यानी कि अतिरिक्त समय में या ओवरटाइम काम करना पड़ता है। आपको कोई छुट्टी नहीं मिलती, अगर आप छुट्टी लेंगे तो आपका तनख्वाह कटेगी। बीमारी में कोई छुट्टी का प्रावधान नहीं है। श्रमिकों को किसी भी कारण से फायर किया जा सकता है, उनको नौकरी से हटाया जा सकता है। असंगठित क्षेत्र में जो श्रमिक है वो कम वेतन पे काम करते हैं, उनका शोषण या एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है, उनको उचित मजदूरी नहीं दी जाती है, आय कम होती है, नियमित भी नहीं होती है। तो इस रोजगार में संरक्षण बिल्कुल भी नहीं है और उनको कोई आगे का लाभ नहीं मिलता, जैसे प्रोविडेंट फंड, पेंशन, ग्रेच्युटी, ये कुछ नहीं मिलता।
आर्थिक गतिविधियां रोजगार की परिस्थितियों के आधार पर कैसे वर्गीकृत की जाती है, रोजगार के आधार पर? तो संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्रक, यानी कि क्षेत्रक मतलब होता है सेक्टर, या कहें पार्टीशन या क्लासिफिकेशन। तो रोजगार की परिस्थितियों के आधार पर आर्थिक गतिविधियों को हम दो भाग में बांट सकते हैं, संगठित और असंगठित। संगठित क्षेत्र जो होता है वे उद्यम और कार्यस्थल वो आते हैं जहां पर रोजगार की का टाइम समय नियमित है। ये क्षेत्रक सरकार द्वारा पंजीकृत हैं, उन्हें सरकारी नियम और विनियमों का या सरकारी रूल्स रेगुलेशन का फॉलो करना पड़ता है, पालन करते हैं ये, इसीलिए संगठित क्षेत्र कहलाते हैं। इनमें जो कर्मचारी हैं उनको रोजगार की सुरक्षा है, एक निश्चित समय के लिए वो काम करते हैं, उसके बाद उनको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। यदि वो अपने समय से ज्यादा काम करते हैं तो उनको ओवरटाइम मिलता है, यानी कि अतिरिक्त वेतन दिया जाता है। उनको छुट्टी मिलती है वेतन के साथ, अवकाश काल में भी भुगतान उनको मिलता है, साथ में आगे की भविष्य निधि यानी कि प्रोविडेंट फंड, GPF, सेवानुदान जब छुट्टी उनकी हो जाती है या फिर रिटायर हो जाते हैं या वो रिटायरमेंट ले लेते हैं, उसके बाद उनको पेंशन मिलती है, या बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं। असंगठित क्षेत्रक पे आते हैं, ये छोटी छोटी बिखरी इकाइयों से बना है। इसमें सरकारी नियंत्रण नहीं होता या कहीं उससे बाहर होते हैं, और वेतन बहुत कम होता है, छुट्टियां कुछ नहीं है, और बीमारी है तो फिर आपको अपनी जेब से खर्च करना पड़ेगा, क्योंकि जो आपको एम्प्लॉय कर रहा है वो कुछ नहीं देगा। रोजगार भी अनिश्चित है, यानी कि कभी भी आपको काम से हटाया जा सकता है, यानी कि संरक्षण नहीं है रोजगार का। रोजगार गारंटी, या ये कहें कि जिस तरीके से सरकारी नौकरी में आपको अपनी जॉब एक तरीके से सिक्योर्ड है, यहाँ पर सिक्योर नहीं है और लाभ भी नहीं। इसका मतलब ये कभी भी नहीं कहूंगा मैं आपको कि सरकारी नौकरी में ही जाना चाहिए। ऐसी बहुत सारी नौकरियां हैं जो अच्छी पेइंग है, जहां पर आपके अच्छे प्रोस्पेक्ट हैं। संगठित और असंगठित क्षेत्रों की रोजगार परिस्थितियों की तुलना आपको करनी। तो ये हम अभी काफी डिस्कस कर चुके हैं, अब इसको हम टेबुलर फॉर्म में देखते हैं, यानी कि हम तालिका के फॉर्म में देखते हैं। संगठित क्षेत्र, ये क्षेत्र सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं, असंगठित सरकार द्वारा पंजीकृत नहीं होते। संगठित सरकारी नियमों विनियमों का पालन यहाँ पर होता है, असंगठित में सरकारी नियमों विनियमों का पालन नहीं होता है। यहाँ रोजगार की अवधि नियमित नहीं होती है, जबकि संगठित क्षेत्र में रोजगार की अवधि नियमित है। सरकारी कार्यालयों में 8 घंटे आपको डेली काम करना है, 8 × 5, 5 × 40, 40 घंटे आपको काम करना है, चाहे आप सैटरडे को हाफ डे करें, बाकी दिन 7 घंटे करें, इस तरीके से। असंगठित क्षेत्र में कर्मचारियों को रोजगार की सुरक्षा नहीं है, जबकि संगठित क्षेत्रक में कर्मचारियों को रोजगार की सुरक्षा है, जॉब सिक्योरिटी है। उन्हें छुट्टी मिलती है सवेतन वेतन के साथ, भविष्य निधि यानी कि प्रोविडेंट फंड मिलता है, सेवानुदान मिलता है, बहुत सारी बेनिफिट्स है बेसिकली ये इसको कहें तो। जबकि यहाँ पर असंगठित क्षेत्र में रोजगार की सुरक्षा तो नहीं है, साथ में कोई छुट्टी नहीं है, कोई प्रोविडेंट फंड नहीं है, कोई सेवानुदान नहीं है, अगर नौकरी छूट गई तो कुछ नहीं मिलेगा। संगठित क्षेत्र में सरकारी संस्थान, सरकारी सहायता प्राप्त संस्थाएं और बड़ी बड़ी कंपनियां आती हैं, जैसे रिलायंस हो गया या फिर आपकी टाटा वाली कंपनियां हो गई। असंगठित क्षेत्र में ये भूमिहीन श्रमिक होते हैं, छोटे किसान होते हैं, सड़क पर सामान बेचने वाले, विक्रय करने वाले श्रमिक और कबाड़ उठाने वाले लोग होते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हम देखते हैं अमूमन हर दिन। मनरेगा या ये रागरा रोगा नरेगा, इसके उद्देश्यों की व्याख्या करनी है आपको। ये अधिनियम है, रोजगार गारंटी का अधिनियम है 2005 का। तो केंद्र सरकार ने भारत में बहुत सारे जिले, इस नंबर इसलिए नहीं लूंगा क्योंकि ये चेंज होते रहते हैं, अभी बढ़ रहे हैं, बेसिकली चेंज मतलब बढ़ रहे हैं। तो जिलों का काम जो अधिकार लागू करने के लिए एक बड़ा सख्त कानून बनाया, एक बड़ा अच्छा अधिनियम बनाया, इसमें राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005, ये नरेगा है, महात्मा गांधी आगे लग जाते हैं तो मनरेगा हो जाता है। तो इसका उद्देश्य क्या है कि उन वो सभी लोग जो कार्य करने में सक्षम हैं, जिनको काम की आवश्यकता है, जो एम्प्लॉयमेंट ढूंढ रहे हैं, रोजगार जो चाहते हैं, तो सरकार द्वारा 100 दिन का उनको रोजगार मिलेगा ही मिलेगा, उसकी गारंटी दी गई है। यानी यदि सरकार रोजगार उपलब्ध करा नहीं पाती है, उसमें असफल रहती है, तो वो उन्हें बेरोजगारी भत्ता देगी, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट का पैसा देगी। इस अधिनियम में उन कामों को वरीयता दी जाती है जिससे भविष्य में भूमि के उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलेगी, जैसे डैम बनाना हो गया, नहर बनाना हो गया, ये सारी चीजें इसमें आती है, और जो उस जगह के लोगों के लिए, उस जगह के एरिया के डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। अपने क्षेत्र से उदाहरण लेकर सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की गतिविधियों एवं कार्यों की तुलना आपको करनी है। तो सार्वजनिक क्षेत्र जो गवर्नमेंट के होते हैं, सरकार के होते हैं, सरकार द्वारा कंट्रोल इसका होता है और इन्हीं के पास इसकी
वो होती है, या कहें मतलब ओनरशिप होती है। निजी क्षेत्रक वो होते हैं जहां पर कुछ लोग, कोई एक आदमी हो सकता है या कुछ लोग होते हैं जिनके पास, जो प्राइवेट होंड होते हैं, यानी उनके हाथ में होती है, सरकार का इसमें कोई दखल नहीं होता, सरकार से नहीं है। तो सार्वजनिक क्षेत्र वो उद्योग जो सरकारी तंत्र के अधीन होते हैं सार्वजनिक कहलाते हैं, पब्लिक सेक्टर कहलाते हैं। जैसे भारतीय रेल हो गया, लोहा इस्पात उद्योग हो गया, जहाज निर्माण हो गया। सार्वजनिक क्षेत्र में ऐसी वस्तुएं या सेवाओं का निर्माण होता है जो लोगों के लिए हितकारी हो, कल्याणकारी हो, आम जनता के लिए, सिटीजन के लिए। तो इसी उद्देश्य से निजी निहित या लाभ कमाना इसका कभी नहीं होता है सार्वजनिक क्षेत्र का, कि हम बेनिफिट कमा रहे हैं, प्रॉफिट कमा रहे हैं, बल्कि इनका मेन काम होता है, मेन जो इंडिकेशन होता है वो होता है सार्वजनिक लाभ, सबका भला हो। एक क्षेत्र में वस्तुओं और सेवाओं की कीमत निर्धारण सरकार करती है, और जो भी चीज करती है वो इस तरीके से करती है कि सभी का भला हो, सभी का फायदा हो। ऐसे बहुत सारे काम हैं जो एक निजी नहीं कर सकता या फिर एक इंडिविजुअल नहीं कर सकता। जैसे पुल पुल हो गया, रेल ट्रैक बिछाना हो गया, या डैम बनाना हो गया, ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो होते हैं वो सार्वजनिक क्षेत्र में आते हैं। निजी क्षेत्र की बात करें तो वह उद्योग जो निजी व्यक्तियों के लिए, या फिर या कहें कोई एक आदमी जिसने पैसा लगाया है और उसका कंट्रोल है उसमें, उसके स्वामित्व में होते हैं, उनकी ओनरशिप होती है, वो निजी क्षेत्र कहलाते हैं। इसमें वो उद्योग आते हैं जो आम जनता की आवश्यकताओं को पूरा तो करते हैं, जैसे टेलीविजन हो गया, एयर कंडीशनर हो गया, फ्रिज हो गए, लेकिन मेन मकसद इनका होता है लाभ कमाना, और ये होना भी चाहिए, प्रॉफिट कमाना। जब किसी ने पैसा लगाया है, मेहनत कर रहा है, लोगों को उसने नौकरी दे रखी है और लोगों की चीज़ों को वो बना भी रहा है, तो उसको लाभ कमाना चाहिए। तो निजी क्षेत्र कल्याणकारी कार्य करने के लिए कोई बाध्य नहीं होते हैं, अगर वो काम करते हैं तो उसकी कीमत लेते हैं। जैसे अगर कोई निजी विद्यालय है या फिर गवर्नमेंट, नहीं प्राइवेट स्कूल है, गवर्नमेंट में तो बहुत सस्ते दरों पे आप पढ़ सकते हैं, प्राइवेट स्कूलों में जो सरकारी विद्यालय हैं उसमें कम फीस होती है, यहाँ पर ये निजी विद्यालयों में ज़्यादा फीस होती है। निजी क्षेत्र के उद्योगों में वस्तुओं की कीमतों का निर्धारण बाजारी शक्तियों से होता है, ना कि सरकार इसे करती है। अगर बाजार में महंगाई है तो इनका रेट बढ़ जाएगा। अपने क्षेत्र से एक एक उदाहरण लेकर ये जो तालिका है इसको पूरा करना है, जिसको चर्चा करनी है आपको। तो ये देखिए, सुव्यवस्थित प्रबंध वाले संगठन, अव्यवस्थित प्रबंध वाले संगठन। सार्वजनिक क्षेत्र में अगर सुव्यवस्थित की बात करें तो आप डीआरडीओ ले लें, इसरो ले लें, ये सब बड़े सुव्यवस्थित है। अव्यवस्थित प्रबंध वाले संगठन सार्वजनिक क्षेत्र में भी है, जैसे अभी बीएसएनएल की हालत थोड़ी सी खराब है ना, या कोई जो गवर्नमेंट द्वारा फंडेड होते हैं उनका नाम आप लिख सकते हैं। निजी क्षेत्र में सुव्यवस्थित की बात करें तो आप देखिए, टाटा की जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं या रिलायंस की जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, वो सारी की सारी बड़ी सुव्यवस्थित है, पूरी तरीके से प्रबंध उनका अच्छा संगठन है। अव्यवस्थित में तो आप कोई भी ले लें, एक दुकान ले लें बगल वाली, परचून की दुकान ले लें, या आप कोई भी दुकान ले लें, कुछ कुछ ऐसा ले लें जिसमें जो आपको दिखता है और वो बड़ा अव्यवस्थित सा है। सार्वजनिक क्षेत्र की गतिविधियों के कुछ उदाहरण दीजिए और व्याख्या कीजिए कि सरकार द्वारा इन गतिविधियों का कार्यान्वयन क्यों किया जाता है। तो सार्वजनिक क्षेत्र यानी गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, गवर्नमेंट के पास पावर होती है, गवर्नमेंट का ओन होता है, मतलब सरकार सब कुछ करती है इसमें। तो इसकी गतिविधियों के हम तीन उदाहरण ले सकते हैं, जैसे डाकघर हो गया, रेलवे हो गया, बैंक हो गया। तो ये गतिविधियाँ सरकार के संचालन में हैं, इसका कारण क्या है? क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं जिनकी आवश्यकता समाज के सभी आदमी, सभी सिटीजन, सभी सदस्यों की होती है। अगर इसमें निजी क्षेत्र होगा तो वो इस दाम पे, जिस दाम पे लोगों को मिलना चाहिए, उस पे नहीं उपलब्ध करा पाएंगे, क्योंकि उनका कीमत ज्यादा लगेगी, व्यय ज्यादा होगा। सरकार इसको देख सकती है, सरकार अपने जेब से निकाल सकती है पैसे, क्योंकि उसके पास टैक्स होता है, हमारा टैक्स का पैसा जाता है। कुछ गतिविधियां ऐसी होती है जिसमें सरकारी समर्थन बहुत जरूरी होता है। अगर निजी क्षेत्रकों की बात करें तो वो व्यवसाय तब तक आगे नहीं बढ़ा सकते जब तक सरकार उन्हें प्रोत्साहन नहीं देती, सरकार उन्हें सपोर्ट नहीं देती। जैसे इलेक्ट्रिसिटी वो कम दामों पे उपलब्ध कराएगी, तभी हमारे इंडस्ट्रीज हैं वो फल फूल पाएंगे, अदरवाइज तो वो इलेक्ट्रिसिटी के बोझ तले ही दब जाएंगे, वो प्रॉफिट क्या कमाएंगे। बहुत सारी ऐसी गतिविधियां होती हैं जिसकी जिम्मेदारी जो है सरकार पे होती है, इसको व्यय करना भी सरकार की अनिवार्यता होती है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, अगर हेल्थ सेक्टर ले लें, यानी स्वास्थ्य विभाग ले लें, ऐसे एजुकेशन सेक्टर ले लें जहां पर एजुकेशन यानी कि आप साक्षरता अभियान ले लें, या स्कूल होंगे जो हमारे विद्यालय सार्वजनिक विद्यालय होते हैं, इन सब की जिम्मेदारी जो होती है सार्वजनिक क्षेत्र के पास होती है, होनी भी चाहिए, क्योंकि लोगों को हेल्थ, अगर उनकी उनका शरीर खराब है तो उसकी वो जाके पता चला निजी अस्पताल में तो जा नहीं सकते, वो तो मर ही जाएंगे, वो सरकारी अस्पताल में जाएंगे, उनको कम पैसे में इलाज होगा। इस तरीके से एजुकेशन, अगर बच्चा पढ़ना चाहता है और उसके माँ बाप के पास इतना पैसा नहीं है, तो वो एजुकेशन सेक्टर में जा सकते हैं जो सार्वजनिक हो, केंद्रीय विद्यालय में जा सकते हैं या किसी भी सरकारी
विद्यालय में जा सकते हैं जहां पर अच्छी पढ़ाई होती है। व्याख्या कीजिए कि किसी देश के आर्थिक विकास में सार्वजनिक क्षेत्र कैसे योगदान करता है। सार्वजनिक क्षेत्र यानी कि गवर्नमेंट सेक्टर। देखिए ये सार्वजनिक क्षेत्र ना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि सार्वजनिक क्षेत्र का या क्षेत्र का सेक्टर का जो उद्देश्य है या एम है वो प्रॉफिट अर्निंग नहीं है, लाभ कमाना नहीं है। जितनी भी महत्वपूर्ण गतिविधियां हैं उसको संचालन करना सार्वजनिक क्षेत्र कर रहा है, उसका इनका काम होता है, जिसमें समाज के सारे सदस्य, हर एक आदमी जो सिटीजन है वो उसे यूज करे या उसकी जरूरत है, जैसे सड़क बनाना, पुल, रेलवे, पोर्ट बनाना, बिजली आदि का निर्माण करना, बांध बनाना, सिंचाई की व्यवस्था करना, ये सब सार्वजनिक क्षेत्र का काम होता है या होना चाहिए। सरकार इसमें बहुत भारी व्यय करती है, क्योंकि ये पैसे प्राइवेट लगाएगी तो वो अपना प्रॉफिट भी लेगी, और एक इंडिविजुअल जैसे मेरा मेरे जैसे आदमी कोई सड़क नहीं बना सकता, सरकार बनाएगी इसे। तो सरकार किसानों को उचित मूल्य देकर गेहूं और चावल खरीदती है, वो अपने गोदामों में जैसे FCI के जो गोदाम है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के, उसमें भंडारण करती है। राशन की दुकानों में जो जब हम पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहते हैं, वहां पर उसके माध्यम से, राशन की दुकानों के माध्यम से उपभोक्ताओं तक कम मूल्य में सामान पहुंचाती है, खाने की चीजें पहुंचाती है, गेहूं, चावल, केरोसिन वगैरह। इस तरीके से सरकार किसानों और उपभोक्ताओं यानी कि जो फार्मर्स हैं और जो कंज्यूमर्स हैं उन दोनों को सहायता करती है। सभी के लिए स्वास्थ्य और शिक्षाएं सबसे जरूरी है, इनको उपलब्ध कराना जैसे ये बहुत प्राथमिक कार्य है, बेसिक कार्य है। ये किसका काम है? सार्वजनिक क्षेत्र का, गवर्नमेंट का काम है। समुचित ढंग से विद्यालय चलाना, गुणात्मक शिक्षा देना यानी कि अच्छा अच्छी तरीके से विद्यालय चलाना और अच्छी शिक्षा देना, ये काम भी सरकार का कर्तव्य है, क्योंकि जितनी अच्छी शिक्षा होगी उतने अच्छे सिटीजन बनेंगे और आगे वो देश की सेवा करेंगे। इसी प्रकार किसी देश का आर्थिक विकास तभी परिपूर्ण होता है या उसमें सार्वजनिक क्षेत्र का बहुत बड़ा योगदान होता है, महत्वपूर्ण योगदान होता है। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को निम्नलिखित मुद्दों पर संरक्षण की आवश्यकता है, मजदूरी, सुरक्षा, स्वास्थ्य, आपको उदाहरण के तौर पर बताना है, दे के बताना है। तो असंगठित क्षेत्र मतलब होता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर, वहां पर खासतौर पर मजदूरी कम मिलती है, मजदूरों को मजदूरी मिलती ही नहीं है, फिर मजदूरों को काम नहीं मिलता, सुरक्षा नहीं है उनके लिए कोई, स्वास्थ्य अगर उनका खराब हो गया तो कोई फैसिलिटी नहीं है, अगर उनकी देहांत हो जाता है कोई देखने वाला या फिर उनको कोई कंपनसेशन देने वाला नहीं है। तो ये मजदूरी का अगर देखें तो असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों को बहुत लंबा लंबा काम करना पड़ता है, 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे ओवर टाइम कर रहे हैं। इन श्रमिकों में मोस्टली देखा जा गया है कि रोजगार सुरक्षा का अभाव है, गरीबी के कारण ये कम दामों पे, मजदूरी के दरों पर काम करने को तैयार हो जाते हैं और इसके लिए उनको कोई सुरक्षा भी नहीं मिल सकी। काम करने के घंटे बहुत हैं, मजदूरी बिल्कुल निश्चित नहीं है, कभी कम कभी ज्यादा, निकाला भी जा सकता है इनको, इसीलिए सुरक्षा नहीं है मजदूरी की। सुरक्षा, फिर से मैं आता हूँ सुरक्षा पे, तो ऐसे ऐसे काम होते हैं, पहली चीज सुरक्षा को हम इस तरीके से लेंगे, उनको जॉब सुरक्षा नहीं, असंगठित क्षेत्र में कोई भी कभी भी निकाल सकता है। दूसरा यह है कि जोखिम वाले काम, इलेक्ट्रिसिटी के खंभे पे चढ़ के काम करना, अगर आप कोई सेफ्टी के इंतजाम नहीं है तो जोखिम वाले कार्य जैसे ईंट उद्योग हो गया, कोयला की खान हो गई, इन सब में सुरक्षा की गारंटी होनी चाहिए या फिर सुरक्षा के इंतजाम होने चाहिए सरकार के द्वारा, या फिर जो इनसे काम करा रहा है वो पूरे सेफ्टी सिक्योरिटी इंस्ट्रक्शन फॉलो करे और फिर काम हो। स्वास्थ्य के बारे में बात करें, अगर हम हेल्थ के बारे में बात करेंगे तो ये श्रमिक गरीब होते हैं, इनको उस तरीके का खाना ही नहीं मिल पाता है, चावल और दाल खा के ये अपने गुजारा चलाते हैं। ये स्वास्थ्य के विपरीत परिस्थितियों में काम करते हैं, लंबा काम करते हैं और अपने शरीर को झोंक देते हैं, इस कारणों में इनकी जो स्वास्थ्य की स्थिति है वो अच्छी नहीं होती, इसलिए जरूरी हो जाता है कि स्वास्थ्य के संदर्भ में भी सरकार को, हम सबको इनके लिए करना चाहिए, महत्वपूर्ण कदम उठाने चाहिए। अहमदाबाद में किए गए अध्ययन, ये अध्ययन देख लेते हैं, इसे पाया गया कि नगर में जो 15 लाख श्रमिकों में से 11 लाख जो श्रमिक हैं वो असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं। ये आंकड़ा है, कुल आय 600 करोड़ रुपए थी नगर की कुल आय, इसमें से 320 करोड़ रुपए जो संगठित क्षेत्र से प्राप्त होते हैं, 60 पूरे हैं तो 28 करोड़ जो है वो असंगठित क्षेत्रों से पाए जाते हैं, मिलते हैं। नगर में और अधिक रोजगार सृजन के लिए क्या तरीके हो सकते हैं उन पर विचार करना है। तो ये जो आंकड़े हैं इससे हमें क्लियर पता चल रहा है कि असंगठित क्षेत्र में तकरीबन तीन गुना संगठित क्षेत्र से ज्यादा लोग लगे हुए, लेकिन आय की मात्रा देखें तो दोनों की बराबर है, मतलब ये भी करीबन 30 करोड़ दे रहा है, ये भी करीबन 30 करोड़, मैं एक इसको जनरलाइज कर रहा हूं, 32 और 28 है, 30 करोड़ मान लेते हैं।
इसका मतलब ये हुआ कि असंगठित क्षेत्र में काम करने वालों को वेतन कम मिल रहा है, पैसा इनका कम है। 11 करोड़ लोग सोचिए आप, तो इसका यह अर्थ हुआ कि कम इनको पैसा मिल रहा है। तो नगर में आपको रोजगार अगर बढ़ाना है तो क्या क्या कर सकते हैं? एक तो शिक्षा का स्वरूप बदलना होगा, शिक्षा तकनीकी या व्यवसायी हो ताकि अधिक से अधिक लोग इस सेक्टर में जा सके, और लोगों को स्वरोजगार यानी कि अपना काम खुद करने के लिए आपको सरकार की तरफ से वित्तीय और तकनीकी सहायता देनी पड़ेगी, तभी ये लोग अपना काम इस तरीके से कर पाएंगे। और असंगठित क्षेत्र में भी ऐसे काम होंगे जिससे एक तो अमाउंट बढ़ेगा, और ये जो लोग हैं जो वाकई में 11 करोड़ लगे हैं जिनको पैसा कम मिल रहा है, वो अपना अपने लिए कुछ कर सके और देश के लिए कुछ कर सके, खासतौर पर गुजरात के लिए, क्योंकि गुजरात का एग्जाम्पल दिया गया है अहमदाबाद का। निम्नलिखित तालिका में तीनों क्षेत्रकों का सकल घरेलू उत्पाद GDP करोड़ में दिया गया है, प्राथमिक द्वितीय तृतीय, ये दो मतलब 50 साल का अंतराल है। वर्ष 1950 एवं 2000 के लिए जीडीपी में तीनों क्षेत्रकों की हिस्सेदारी की गणना करनी है आपको। अब देखिए इसमें हम क्या करते हैं कि इसका निकालेंगे कैसे, मैं जरा आपको ये बताता हूँ, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन होगा, है ना। देखें, प्राथमिक द्वितीय का तृतीय तीनों क्षेत्रकों का सकल घरेलू उत्पाद करोड़ में दिया है, तो आपको करना क्या है, इन सबको जोड़ना है और इससे डिवाइड करना है। कैसे? मतलब इन सबको जोड़ के जो टोटल अमाउंट है उससे डिवाइड करना, मतलब तीनों को जोड़ना है और इसका परसेंटेज निकालना है। मैं आपको इसको समझाता हूँ कैसे। पहले आप देख लीजिए कि 1950 में ये 58% इनका रहा, इनका 14%, इनका 28%, और 2000 में इनका 27%, इनका 25%, इनका 48%। तो इसका निर्माण किस तरीके से हुआ है, इसका हम डायग्राम भी बनाएंगे, तो एक चीज देखिएगा कैसे निकल के आएगा। ये 80,000 है, इसके साथ 19,000 इसको जोड़ दीजिए, और 39,000। तो हम क्या करेंगे, 39 प्लस 19 प्लस 80 ये हो गया 138, मतलब 138,000। तो टोटल कितना हो गया, इसको जोड़ेंगे तो 138,000। ठीक, अब एक एक को उठाइए, जैसे 8,000, 80,000 है, इसको डिवाइड कर दीजिए 138,000 से और 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो परसेंटेज आएगा। यानी कि अगर मैं इसको निकालने की कोशिश करूं तो आपको बताता हूँ, 80,000, देखिए इस 80,000 ले रहा हूँ, 80,000 और डिवाइडेड बाय, डिवाइड कर रहा हूँ 138,000 से, तो 138,000 ये आ गया आपका 57.9। कितना आ रहा है, ये आ रहा है 57.9, मतलब आपका कितना आएगा, 0.57 आएगा, और 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये 57.9 आएगा, करीबन 58% आएगा। तो इसका कैसे निकालेंगे, 19,000 डिवाइडेड बाय 138,000 इंटू 100 निकाल लेंगे, 14% आएगा। इसका कैसे निकालेंगे, 39,000 बाय 138,000, 39,000 बाय 138,000 इंटू 100, ये आएगा 28%। सेम काम इसी के लिए करेंगे, मैं आपको करके दिखा देता हूँ पहले वाला, बाकी आप कर लेंगे। तो 3,14,000 है, तो 3,14,000 को लीजिए, फिर 2,80,000 को ले लीजिए, फिर आप लीजिए 5,55,000, 5,55,000, तो ये 0,00 है, ये 280,000। ठीक, तो 3 जीरोज है, मैं 314 इन सबको जोड़ देता हूँ, तो ये होगा 314, 314 प्लस ये हो गया 280, 280 ये हो गया 342, यानी कि 314 और 280 हो गया 594, ये 594 आ गया, प्लस हम करेंगे 555, ये आपका आ गया 1,1,49 और 3 जीरो लगा दीजिए, ये टोटल हो गया तीनों का, इन तीनों को मैंने जोड़ दिया, इसको जोड़ दिया, इसको जोड़ दिया। अब पहला वाला लीजिए, इसके ऊपर रखिए 314,000 और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो मैं इसको कर रहा हूँ ताकि ये आपको दिखा सकूँ 27% कैसे आया। तो 314,000 डिवाइड करेंगे किससे, 1,1,49,000, ये आपका आ गया 27.3, ये निकल के आएगा 27.3, और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 0.273 आएगा सर, इसको 0.273 को 100 से मल्टीप्लाई करिए, 27.3 आएगा, ऐसा 27 आया, आपको 50 और 27 समझ में आ गया। ये परसेंटेज आप निकाल लेंगे, ये इसका भी निकाल लेंगे, 25% कैसे आएगा, 2,80,000 को डिवाइड कर देंगे 1,1,1,49,000 से और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ तक आ गया। अब आप देखिए कि आप एक पूरा बक्सा बनाइए, यहाँ से यहाँ तक 100 का, अब प्राथमिक का कितना है यहाँ पर, मैं पहले बता रहा हूँ 1950 का प्राथमिक 58, यहाँ से लेकर 58 तक चले जाइए, 58 पे ये डब्बा बना दीजिए,
द्वितीय पे आइए आपका 14, यहां से यहां तक 14 ले लीजिए, डब्बा बना दीजिए। फिर बाकी जो 28 बचता है, 100 तक की रेखा लेंगे आप, यहां से यहां तक 28 लेंगे और ये बना देंगे। दूसरे में आएंगे, यहाँ प्राथमिक है 27, तो यहाँ से यहाँ तक 27, यहाँ से यहाँ तक 27 तक बढ़ेंगे, डब्बा बना देंगे। उसके बाद 25 का डब्बा बनाएंगे, यहाँ तक 25 लेंगे, डब्बा बना देंगे। 48 तक जाएंगे, डब्बा बना देंगे। तो ये आपको इसमें आंकड़ा मिल गया और ग्राफ, जिसे बार ग्राफ कहते हैं, ये भी मिल गया। तो यहाँ से क्लियर हमें पता चलता है कि जो सकल घरेलू उत्पाद है, इसमें जहाँ प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 58% है, वो 2000 में 27% हो गया, बहुत कम हो गया। जबकि जो द्वितीय क्षेत्र है और तृतीय क्षेत्र है, उसमें करीबन डबल, ये एक तरीके से डबल की वृद्धि हुई है, यहाँ तो 28 से 48% हो गया। तो द्वितीय क्षेत्र का हिस्सा 14% है, ये 25% हो गया, तृतीय क्षेत्र का 28 से 48 हो गया, ऐसे इसका उत्तर देना है आपको। तो ये सवाल जवाब हुए इस एक्सरसाइज के। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।